साथ में है ना। निकाल दिया था गाइस। सो गाइस आज जो है हम आए हैं अपना पंजाबी यूनिवर्सिटी पे। हे एवरीवन, अगर आप मुझे नहीं जानते तो मैं हूँ एक अपकमिंग वेज ध्रुवांश। आप सभी का स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग के अंदर। सो आई एम गेटिंग रेडी टू गो टू द कॉलेज। इट्स अर्ली मॉर्निंग अराउंड 7:45 AM। मैं कॉलेज अपनी बाइक से जाता हूँ। ठंड से बचने के लिए आई यूज मोटरसाइकिल गियर्स। We can sit together. आपने मुझे कई सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के अंदर देखा होगा, लेकिन मैं आज आपको अपने रियल जिंदगी के एक दिन के अंदर लेकर चलता हूँ। So let's go. In the great outdoors. मेरा कॉलेज मेरे घर से अराउंड 15 मिनट दूर है, लेकिन फिर भी कभी कभी लेट हो जाता है ट्रैफिक के कारण। सो आई जस्ट रीच बिफोर द क्लास टाइम। सो गाइस मैं पहुंच गया हूँ कॉलेज एंड चलो चलते हैं क्लास में। ओहो, क्लास में तो यार बच्चे ही नहीं है, पता है चरक लैब में गए होंगे पक्का। रीजन इज वो अष्टांग का ब्रेड वहीं लगता है। चलो चलो यार चले, सुनीता अध्ययन की बुक ले ली है एंड अपने दोस्त भी आ गए। चलो चलते हैं, भाग मने का भाग। कैसा रहा कल का दिन? मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे अलकट हंस। तो गाइस हमारा जो है अब क्लास खत्म हो गया है एंड अगर आपने अभी तक हमारी चरक लैब नहीं देखी है तो ये देखो, ये अपनी चरक लैब है एंड काफ़ी अच्छा जो है वेल मेंटेन्ड है ना। एंड लाइक ये देखो, तो चलो चले मेरे साथ है मेरा भाई बख्शीश। गाइस अब जो है हमारा एनाटॉमी का पीरियड है एंड चलते हैं, लेकिन उससे पहले जो है आधा घंटा पड़ा है तो थोड़ी धूप सेक लेते हैं। चलो भाई आ जाओ, आ जाओ उधर ही चलते हैं। इससे पहले एक कोट उतारना पड़ेगा क्योंकि ये इतना आता नहीं है, इसमें बहुत मोटा कोट है ना, ये लैब कोट नहीं आता। या तो देख मेरी गल सुन, हिंदी बोल रहे या पंजाबी बोल रहे, उन्होंने खिचड़ी बन जानी, उन्होंने समझ नहीं आना यार, मिक्स करके लगना चाहिए ना कि यार ये पंजाब दे है। ठीक है, हाँ देखो आधी जनता हूं आंधी है उठ के है, हरी कहा तो नहीं आया है पहली क्लास। सर भी देख देने, सर ने जवाब दो। आज तो यार बाली ठंड लग रही है ना गरिमा, आज तो जनता बेली खड़ी है। हेलो प्रीति, ठंड नहीं है? हेलो, भाई साहब ये डायग्राम चेक कराने का दिन है, और चेक करो यार डायग्राम, क्या आर्टिस्ट है हमारे पास। यार वो एक्चुअली भारत मिनट में भेज मिनट में भेजती कर देते। ये तो बहुत ज्यादा गलत है, ये तो गलत है बहुत ज्यादा। मैंने चेक कर दिया ना, मतलब गलत भी सही है। सर तो कहते भी बहुत कुछ है, पता हर एक पेज के पीछे मैं काला टीका लगाती हूं। आए हो अच्छा, तो इधर मिलके बोला है। इसका मैंने मेजर किया था सर। अच्छा, क्या कैसे कैसे? हाँ तो मैं ताई कह रहा है यार,
ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਰਗਨ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਬਸ ਯਾਰ ਇਹ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਮੈਨੇ ਬੱਚੋ ਦਾ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਦੀ ਹੈ ਪਾਂਡੇ ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਰੈਡੀ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਡਾਈਸੈਕਸ਼ਨ ਹਾਲ ਜਹਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਜੋ ਹੈ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸਿਸ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਲਾਸਿਸ ਰੱਖੀ ਹੈ ਐਂਡ ਇੱਕ ਪਤਾ ਕੀ ਆਇਆ ਵਹਾਂ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨਾ ਅਲਾਊਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰਿਕਨੈਸ ਹੋਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਰ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨਾ ਹਮੇ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਸਲੈਕ ਬੋਡੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੈ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਬਣੇ ਹੈ ਤੋ ਇੱਕ ਉਸਕਾ ਇਨ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆਫ ਹਮ ਉਸਕੀ ਜੋ ਹੈ ਕਭੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾਤੇ ਔਰ ਆਪਕੋ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਮੇ ਜਾਤੇ ਹੋ ਹੈ ਨਾ ਯਾ ਹੋ ਤੋ ਪਲੀਜ਼ ਡਾਈਸੈਕਸ਼ਨ ਹੋਲ ਕੀ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੀ ਕਹਤੇ ਹੈ ਕੈਟੇਗਰੀ ਕੀ ਵੀਡੀਓ ਤੋ ਮਤ ਵੀ ਬਣਾਨਾ ਔਰ ਕਹੀਂ ਡਾਲਨਾ ਤੋ ਹੈ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਸੀ ਲਈ ਜੋ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਇਸ ਕਲਾਸ ਕੇ ਬਾਅਦ ਮਿਲਤਾ ਹੂੰ ਆਫਟਰ ਡਾਈਸੈਕਸ਼ਨ ਸੋ ਗਾਈਸ ਵੀ ਆਰ ਡਨ ਵਿਦ ਆਪਣਾ ਡਾਈਸੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਯਾਰ ਡਾਈਸੈਕਸ਼ਨ ਮੇ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਾ ਆਤਾ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਤੇ ਹੈ ਸਬ ਝੂਠ ਬੋਲੋ जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो पाजल साले का खोपड़ी तोड़ साले का नहीं हर एक चीज नहीं बतानी होती ठीक है हाँ तो ऐसी बात नहीं कोई क्लास से नहीं निकाला यार हम डाइसेक्शन परफॉर्म की है ठीक है और अब जो है ब्रेक हुई है तो हम जो है थोड़ा खाना पीना खाने जा रहे हैं सो गाइस हमारी जो अब संस्कृत की क्लास लग चुकी है अब हम फिर से ऊपर चरक लैब में जा रहे हैं किस वास्ते हम जा रहे हैं हमारा संहिता अध्ययन का पीरियड होता है जिसमें संहिता का बिल्कुल भी अध्ययन नहीं होता मतलब संस्कृत हमारी जो आयुर्वेदिक हिस्ट्री है वो पढ़ाते हैं एंड मोस्टली आपने देखा होगा मेरे साथ ये भाई अपना क्योंकि यार अपना ये बंदा बहुत कहता है तो सही है चलो चलते हैं सो आई एम बैक फ्रॉम माई कॉलेज एंड काफ़ी ठीक ठाक सा दिन रहा कोई बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं हुई बस सुबह पहले पीरियड में जो है मुझे लगता है बहुत ही सीरियस पढ़ाई हुई थी उसके अलावा डाइसेक्शन का पीरियड ठीक ठाक था ठीक है बाकी के दिन जो है कोई इतनी कोई खास पढ़ाई नहीं हुई और अभी अभी जो है ना मुझे एक दोस्त का फ़ोन आया जो कि लोकल दोस्त है मेरा क्योंकि ना यार कई जैसे कि जितने मेरे कॉलेज के अंदर दोस्त हैं ना वो मतलब सारे के सारे ही बच्चे जो है मतलब पटियाला से बाहर के हैं है ना वो हॉस्टल में ही रहते हैं लेकिन कुछ लोकल दोस्त भी हैं तो उनमें से एक दोस्त है जिसका अभी मुझे फ़ोन आया तो कहता कि भाई फ्री है तो मैंने कहा भाई फ्री है आपके लिए तो हम हमेशा दोस्तों के लिए फ्री रहते हैं एंड वो कहता कि चलो तुम्हें जो है घुमाने लेके चलते हैं मैंने पूछा कहाँ तो कहता बस चलो आप है ना तो चलो मुझे भी नहीं पता एक सस्पेंस है एंड वहाँ जाकर आपको जो है वहाँ भी मिलते हैं चलो चले सो गाइस आज जो है हम आए हैं अपना पंजाबी यूनिवर्सिटी हमारे पटियाला की मेरे ख्याल से पूरे पंजाब की काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है एंड आप आई थिंक मेरे पीछे देख रहे होगे जो हमारी यहाँ की सबसे फेमस बिल्डिंग है इसके जो है 6 गेट हैं एंड ये 6 गेट ना अपने हमारे जो 6 दर्शन हैं उनको अपना प्रदर्शित करती है एंड आपको अगर पता हो तो यार जैसे फिलोसफी के 6 दर्शन हैं खास करके हम अगर आप आयुर्वेदा के स्टूडेंट हैं तो आपको पता ही होगा कि अपने जो 6 दर्शन हैं वो कौन कौन से हैं एंड अगर आप आओगे ना पटियाला तो यार ये जगह आप ज़रूर विजिट करना सो मैं आज यहाँ पर इसलिए आया क्योंकि यार यहाँ पर जो है बुक्स फेयर है ना एंड यहाँ पर काफ़ी जो है पंजाबी कल्चर के रिलेटेड बहुत सारी किताबें होंगी खास करके जो है मेरा दोस्त मेरे साथ आया रमन एंड ये जो है मेरा पटियाला का लोकल दोस्त जो मेरा कॉलेज में नहीं पढ़ता लेकिन मेरा बचपन का भाई है एंड आपको जो मिलाते हैं आज बुक्स मार्केट में दिखाते हैं यहाँ पर बुक्स फेयर दिखाते हैं तो चलो चले यहाँ पर आप गाइस पंजाबी कल्चर काफ़ी अच्छा देखोगे एंड बुक्स चेक करो गाइस कितनी पुरानी पुरानी बुक्स जो हैं और देखो यार कितनी पुरानी बुक है सारी फटी हुई है काफ़ी पुरानी बुक्स जो हैं यहाँ पर पड़ी हैं कहते हैं ना ओल्ड इज़ गोल्ड कहीं ना कहीं से तो इन पुरानी किताबों में से कुछ अच्छा कुछ बहुत ही प्यारा मिलेगा ही चलो देखते हैं सारा यार इधर अपना जो है काफ़ी पंजाबी लिटरेचर बहुत सारा है आपको शायद थोड़ा समझ भी ना ही आ रहा हो पंजाबी जिनको पढ़नी आती है उनको काफ़ी पता होगा काफ़ी अच्छी अच्छी किताबें जो है पढ़ी हैं लाइक आप देख सकते ना कितने सारे वो पंजाबी नॉवेल्स पढ़े हैं पंजाबी कविताएं पढ़ी हैं एंड ये देखो मुझे एक किताब मिली है काफ़ी अच्छी कविताओं की जैसे आई डोंट नो आपको क्लियर दिख रहा है कि नहीं जिनको पंजाबी पढ़नी आती है उनको पता लगे यार कितनी अच्छी जो किताब है काफ़ी
मतलब कनेक्टेड हुए ना, इतने साल हो गए, इतने पता क्या है, इतने महीने हो गए ना संस्कृत पढ़ते हुए और हिंदी पढ़ते हुए, तो ऐसा लगने लगा यार हम पंजाब से थोड़ा पंजाबी विरसा से थोड़ा अलग हो गए थे, एंड आज जो है यहाँ पर पंजाबी यूनिवर्सिटी में आकर ऐसा लग रहा है कि यार फिर से कनेक्टेड हुए हैं। मैं तो ले नहीं रहा, पता क्या है कि अगर मैंने ले भी ली यार मैंने पढ़नी है नहीं, पंजाबी की है ना, ये मेरा दोस्त है ये मेरे साथ ले रहा है, ठीक है। है रमन तेन कोई पसंद आई? तू तो पढ़ता रहना, मैं तो भी नहीं पढ़ता है यार, संस्कृत इन टाइम बचता है कितने पढ़िया। एक ये महाभारत तो विश्व युद्ध तक। सो गाइस ये देखिए ये भी पंजाबी में हमारे पास। आप कराएंगे आप जरा पेटीएम वाला स्कैनर है ना, हम अपना लगा के जाएंगे, जितनी पेमेंट होगी वो हमारे खाते में होगी, ठीक है। पैसा ही पैसा होगा। मस्त प्लान। सो गाइस काफ़ी ढूंढने के बाद जो है हमें एक बुक स्टॉल मिली है जो कि इंग्लिश के अंदर है, एंड लाइक ये काफ़ी अच्छी लगी मुझे स्टार्टअप की लाइक ये तो मैं ना। हाँ एक और बात है, ये आपको बुक जरूर रिकमेंड करूँगा, ये पढ़ी है मैंने ये पढ़ी हुई है, काफ़ी अच्छी अच्छी बुक्स जो है इंग्लिश के अंदर मिली है हमें। ये अपना स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, अंबेडकर जी, एंड वो वाओ अपना APJ अब्दुल कलाम, क्या बात है, सरदार पटेल, ये सारी मुझे ऐसा लग रहा है नेशनलिस्ट की किताबें। वाह ये देखो ये किताब यार बहुत अच्छी लगी थी मुझे, ये पढ़ी हुई है मैंने यार इंग्लिश के अंदर, या हिंदी के अंदर ज़्यादा पढ़ता हूँ ना मैं, तो वो पढ़ी हुई है मैंने। मैं पंजाबी थोड़ी कम पढ़ता हूँ, ये नहीं कि आती नहीं है लेकिन पढ़ता कम हूँ। यहाँ पर थोड़ी मतलब कि बाहर के लोग आए हैं जैसे, हाँ ये वैसे ये तो अपने पंजाब की हैं राधा स्वामी सत्संग ब्यास वाले, इनकी स्टॉल काफ़ी अच्छी लग रही है, इनको जो है देखने चलते हैं, आ जाओ। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड स्टे सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल आयुर्वेदिक ठेका, एंड आपको मिलते हैं नेक्स्ट संडे विद अ न्यू वीडियो। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।